हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस एक बच्चे का जो है मेरे कमेंट्स में मैसेज था कि मैम आप टॉपिक वाइज जो है स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई मोटिवेटेड लाइन्स के थ्रू कुछ। ठीक है, तो देखो, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मंजिल पानी है तो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, तभी आप अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, मैंने पीडीएफ तैयार कर दी है, टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूंगी। जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है करवा रही हूँ, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको स्क्रीन पर देखते जाना है क्वेश्चंस को। ठीक है, और उसके आंसर्स को भी। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है पोवाड़ा नृत्य है डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। अब देखो, पोवाड़ा नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, ठीक है, कौन से राज्य में किया जाता है। एसएससी एमटीएस 7 तारीख को 2021 में आया हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो अब देख लो कि यहाँ भी पोवाड़ा नृत्य ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी क्या है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी क्या है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी क्या है केरल। ठीक है, तो अब आपको बताना चाहिए पोवाड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है पोवाड़ा नृत्य। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो पोवाड़ा नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पोवाड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्यों किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन घटनाओं का वर्णन करता है पोवाड़ा नृत्य, इसलिए जो है ये महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दैट इज महाराष्ट्र। ये जो भी आपको करवा रही हूँ इसके साथ साथ आपको बाकी जो है बताती रहूंगी मैं, क्योंकि नृत्य जो है नृत्य कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये आपको कर लेने इस वीडियोज में, और नृत्य से टॉपिक आपको जाते ही जो है वीडियो देख के नृत्य टॉपिक कवर कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है लुसेंट से, ताकि जो आपका नृत्य से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है इनसे अलग, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया ऑप्शन नंबर बी दैट इज राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन चेक कीजिए। सबसे पहले एसएससी एमटीएस 2 तारीख को 2021 में ये आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर आया था, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब आप इसके ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लाहो, ऑप्शन नंबर बी है नाटी, ऑप्शन नंबर सी है रोम्फ, और डी है क्या थोरा। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डेट इज नाटी नृत्य। नाटी नृत्य जो है ना दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके साथ साथ आपको लोकप्रिय नृत्य हिमाचल प्रदेश के और भी पता होने चाहिए, जैसे कि छम, ठीक है, छम भी क्या एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके साथ साथ कुल्लू, ठीक है, कुल्लू ये भी किसका एक लोकप्रिय नृत्य है, ये भी आपके जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। लाहौली, लाहौली भी आपका जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। इसके साथ साथ लोसर याद रखना है आपको, लोसर ये जितने बता रही हूँ ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लोसर भी आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, कोई भी आ सकता है। ठीक है, लोसर ऐसे कर लेंगे कि हाँ भी ऐसे भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि हाँ भी लोसर जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो लोसर है ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बाकी चीजें भी कवर करते चलेंगे। ठीक है,
इसके अलावा आपको इसके ऑप्शन भी पता होने चाहिए, जैसे कि रोम्फ नृत्य है। रोम्फ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो रोम्फ नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो जो रोम्फ है वो कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी थोरा, थोरा भी पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। थोरा कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके साथ साथ लाहो, लाहो कहाँ का है? मेघालय का है, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन है ना सारे कवर हो गए, तो आपको पता हो गया कि हाँ भी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाटी। नाटी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है दोस्तों? लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः डैश से संबंधित है, या मुख्यतः कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब दंगारी गाजा, ठीक है, एसएससी एमटीएस 13 तारीख को पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि दंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः डैश राज्य से संबंधित है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है दंगारी गाजा? इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। तो दंगारी गाजा जो है ये महाराष्ट्र राज्य की क्या एक नृत्य शैली है। इसके साथ साथ कि हाँ भाई महाराष्ट्र में जो है ये दंगारी गाजा जो है किन लोगों के द्वारा की जाती है? ये जो है अगर मैं बात करूँ जो गडरिया लोग होते हैं ना, उनके द्वारा ये जो है दंगारी गाजा किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के दंगल के नाम से जाने जाने वाले जो गडरिया जाति के जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो है दंगारी नृत्य को किया जाता है, दंगारी गाजा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखना आपको महाराष्ट्र जो है यहाँ पर क्या है, दंगारी गाजा है, किसकी क्या है नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर देखना है, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्या है। कोल काली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? कोल काली, अब देखो ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले देखिए एसएससी एमटीएस 2021 12 तारीख को आया हुआ ये जो है क्वेश्चन है। आप ऑप्शंस देखिए, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब देखिए कोल काली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से है? तो ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज केरल। केरल इज द राइट आंसर, ठीक है। केरल में जो है क्या है, कोलकाली राज्य जो कोलकाली जो नृत्य है वो किया जाता है। अब इसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ केरल के और भी नृत्य पता होने चाहिए, ठीक है। कौन से, अगर मैं बात करूँ कथकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे जो है सीएचएसएस सीजीएल एग्जाम जो हुए हैं वहां पर देखा है, कथकली भी पूछ लिया जाता है कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य में ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मोहिनीअट्टम को याद रखना है आपको, ये दो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हाँ भाई हर पेपर में आपको मिलता है, ठीक है। ये कोलकाली याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तो मोस्टली हर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य के क्या है प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 6 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए है थेरुकुथु, ऑप्शन नंबर बी है छोलिया, ऑप्शन नंबर सी है रूफ, ऑप्शन नंबर डी क्या है कुटियाटम, ठीक है। तो अब इसके राइट आंसर बताना है आपको, उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है कौन सा है। अब ऑप्शन देख के वैसे पहले पढ़ा हुआ तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। जो छोलिया है, छोलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड राज्य का क्या एक नृत्य रूप है। उत्तराखंड राज्य में छोलिया नृत्य जो है प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ छोलिया क्या है, ये मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है। आपको बताना चाहिए शास्त्रीय नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, और मार्शल आर्ट नृत्य होते हैं, ठीक है। तो जो आपके छोलिया है ये क्या है दोस्तों, ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है, और ये कहाँ उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ उत्तराखंड
के जो कुमाऊनी लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो है ये छोलिया नृत्य जो है किया जाता है। ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है, मार्शल आर्ट। समझ आ गया? ऑप्शन नंबर बी दैट इज राइट आंसर। जो कुमाऊनी लोग होते हैं ना, वो बारात के टाइम पर इसको करते हैं, छोलिया नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए। मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया जो है कौन सा नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है छऊ, ऑप्शन नंबर बी है छोरा, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? घूमर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जो ए ऑप्शन आपका, ये इसका राइट आंसर है। जो छऊ नृत्य है ना, ये भी एक मार्शल आर्ट्स नृत्य जैसा नृत्य होता है, छऊ नृत्य, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन की छऊ नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है मेनली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में ये किया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में ये जो है प्रसिद्ध नृत्य है, और ये भी क्या है, एक मार्शल आर्ट नृत्य है। तो आपको नृत्य से जो है जितना भी क्वेश्चन कवर होना वो सारे कर लेने हैं। नृत्य बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटिक जीके का। कला और संस्कृति से जो है हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनमें से ही एक नृत्य जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसको जो है करना है पूरा का पूरा कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर है, चेक कीजिए इसको, क्या है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब आपको ऑप्शन पर चलना है। पहले देखिए एसएससी एमटीएस 18 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको चलना है ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी क्या है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी क्या है हरियाणा। ठीक है, अब घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। राइट आंसर है इसका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट आंसर। गुजरात में जो है घेरिया नृत्य को किया जाता है। इसके साथ साथ आपको और भी नृत्य पता होना चाहिए गुजरात के और नृत्य क्या हो सकते हैं? गरबा, ठीक है, इसके साथ साथ डांडिया नृत्य भी किसका है? आपका गुजरात का है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भवई, जैसे ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज अगर घेरिया नृत्य है तो कल को ये पूछ सकते हैं भवई नृत्य है, ठीक है। इसके साथ साथ टिपानी, टिपानी या टिप्पणी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी कहाँ का है? आपका गुजरात का। तो ये गुजरात के सारे लोक नृत्य करने हैं आपको, गरबा, भवई, डांडिया, टिपानी, ठीक है। तो मैंने बताए हैं आपको हिमाचल प्रदेश के भी और यहाँ गुजरात के भी, ये सारे आपको कवर करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ जहां तक होगा मैं प्रीवियस ईयर ले आऊंगी, ठीक है, मेरे को जैसे टाइम लगता है मैं वैसे वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चेराव, ऑप्शन नंबर बी है याक्षम, ऑप्शन नंबर सी है थांगता, ऑप्शन नंबर डी क्या है माझ। ठीक है, तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो चेराव होता है ना, ये आपका मिजोरम का ही क्या है, एक नृत्य है ये। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये कौन से त्योहार पर किया जाता है मिजोरम के। जो जो चेराव नृत्य है दोस्तों, ये चपचारकुट जो त्योहार होता है मिजोरम का, चपचारकुट, तब ये जो है चेराव नृत्य किया जाता है। आपका जो है एसएससी एमटीएस 22 तारीख को आया हुआ जो है आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चेराव जो है ये मिजोरम में प्रसिद्ध नृत्य है। इसके साथ साथ ऑप्शन और देखिए आप,
ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, याक्षम। याक्षम कहाँ का नृत्य है ये भी आपको याद रखना है। आपका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी है याक्षम। याक्षम कहाँ का है दोस्तों? याक्षम आपका सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का लोक नृत्य है याक्षम। इसके साथ साथ अगला जो देखिए, अगला क्या है, थांगता। थांगता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थांगता ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। थांगता कहाँ का है दोस्तों? थांगता है आपका मणिपुर का, ठीक है, थांगता कहाँ है? मणिपुर का। तो ये जो मैं बाकी अदर करवा रही हूँ, ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसको भी करना है आपको। और इसके साथ साथ जो मैं लिखवा रही हूँ बोर्ड पर, ये भी आपको नोट करने हैं, राइट डाउन करने हैं अपनी एक नोटबुक के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये थांगता भी, ये आपको जरूर टिक मार्क ऐसे स्टार मार्क करके करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लगा दिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोव दास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोव दास नृत्य शैली, ये नृत्य शैली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा मैंने अभी जो है बताई है आपको, हर एक राज्य का नृत्य पता होना चाहिए, ठीक है। लूसेंट में अच्छे से गिवन है ये चीजें, और कहोगे तो मैं नृत्य को अलग से करवा भी दूंगी, बट लेकिन मैं प्रीवियस ईयर इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको एक बार क्या हो जाए, अंदाजा हो जाए कि हाँ भी क्वेश्चन किस टाइप के और कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपका जो है लास्ट वन जो है वो क्वेश्चन है आपका, पौदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2 तारीख को आया हुआ इवनिंग शिफ्ट का पेपर, ठीक है। देखिए ऑप्शन चलिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी क्या है बिहार, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी क्या है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नृत्य है ये पोवदास नृत्य शैली, ठीक है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के और भी आपको क्या होने चाहिए, नृत्य याद होने चाहिए महाराष्ट्र से। देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन मैंने पहले भी क्वेश्चन गए किए हैं जो वो भी महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, सो महाराष्ट्र के आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे नृत्य महाराष्ट्र में। और है जैसे लावणी, लावणी कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है लावणी, इसको स्टार मार्क कीजिए आप लावणी। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका दंगरी गाजा, बता दिया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यही बताया था मैंने, दंगरी गाजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखिए आप कोली, कोली के अलावा तमाशा नृत्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज तमाशा, ठीक है, तमाशा नृत्य है, स्टार मार्क कीजिए आप और इसको राइट डाउन करते चलिए, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने ना, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। जैसे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे आप मेरे को एडवाइस देते रहोगे कि मैम ये टॉपिक लाइए, इस टॉपिक को कवर कीजिए, मैं वैसे ही करती जाऊंगी, वैसे ही टॉपिक्स को कवर करवाती जाऊंगी आपको। लेकिन क्या है एक्चुअली, मेरे को जैसे टाइम लगता है मैं वैसे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और आपको कंटेंट पर ध्यान देना है कि हाँ भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैम लेके आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है, वीडियो एक दिन में आए 2 दिन में आए कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो आएगी, ठीक है। और आपको करना है, मेहनत करनी है, ठीक है, मंजिलों को पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे सारे तमाम आज जो है आपको नृत्य कंप्लीट कर लेने हैं आपने, लूसेंट से सारे सारे हर राज्य के नृत्य कंप्लीट होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन करवाए हैं एक नोटबुक में राइट डाउन करो, और जहां जहां मैंने स्टार मार्क का आया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।